ओम श्री गणेशाय शं शक्तिदाय। मैं प्रकाश पर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर प्राथमिक लेवल में हुआ है और यूपी टेट का ही पेपर है। 2014 के फरवरी में एग्जाम हुआ था उसका। आज मैं पेपर यहाँ पर हम लोग आप लोग सामने इसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को समझेंगे इसमें, और ये देखेंगे कि क्या इतने दिनों से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कहाँ तक हम लोग मिला करके पढ़ रहे हैं, और क्या चीजें हैं जो अभी छूट रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हमको अभी एक्स्ट्रा और करना चाहिए। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर पर जो अभी आप लोग कहें कि चैप्टर वाइज सर करवा दीजिए, तो हम सोचे हैं चैप्टर वाइज का जो करवाने का वो संडे में रखेंगे, मैराथन क्लास रखेंगे, बड़ी क्लास रखेंगे, उसमें हम एक दिन में ही दो तीन चैप्टर तक, तीन चार चैप्टर तक लपेट देंगे। तो घबराने की बात नहीं है, मैं पूरा उसी हिसाब से करूंगा, घबराने की बात एकदम नहीं है। जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल अभी देखने से ठीक हैं, अच्छे भी थोड़ा हो गए हैं। अब ऐसे से सिर्फ हिलाने पर कोई वैसा कुछ है नहीं, पहले ऐसे एक बार हिलाते थे तो जैसे होता तीन चार बार ऐसे घूम रहा था, बट अभी सही है। और बिल्कुल केवल तीन दिन बेड रेस्ट किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, एक घंटे भी काम नहीं किए हैं लैपटॉप पर। तो चलिए अब ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज की जो मैं बता रहा था अभी कि आज जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दे रहा हूँ, बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाता चलूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि हम लोग कितने, मतलब कितने क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, या सभी आ रहा है, या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। सारे पॉइंट्स को हम लोग आज समझते हुए चलेंगे, देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा आप लोग दिमाग में बैठाते जाना कि कितने क्वेश्चन संधि से आ रहे हैं, कितने समास से आ रहे हैं, कारक से आए कि नहीं आए, विभक्ति से आया कि नहीं आया, ठीक है, वर्णमाला से आया कि नहीं आया, ठीक, पैडागॉजी से पांच क्वेश्चन आए कि नहीं आए। इसी आधार पर मैं प्रतिदिन जो है क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा जितने भी पेपर होंगे। अच्छा, इतना होने के बाद में भी देखेंगे आप साहित्य से एक दो क्वेश्चन निकाल के दे ही दे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहित्य सिलेबस में लिखा रहे या ना लिखा रहे, पढ़ना सबको चाहिए। अभी एक बच्चा जो था पुराना अपना, वो मध्य प्रदेश से, तो वो मैसेज कर रहा है सर साहित्य नहीं सिलेबस में लिखा है तो क्या करें, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ो। फिर जब बोल दिया हाँ पढ़ो, तो कह रहा है कि सर नहीं लिखा तब भी पढ़ें, यार पढ़ना पड़ेगा ना, जब कभी कभी क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे। तो शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो सभी लोगों को नमस्कार, एक लाइन पर संवंदना करेंगे, वंदना आवश्यक होती है, भगवान का ध्यान होना जरूरी है, उससे हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, सही भी रहता है। तो छोटा में वंदना कर लेते हैं, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा, सिद्धिर भवतु मे सदा, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, किसमें? नैदानिक परीक्षण मतलब तरीके से कमियों का पता लगाना ना। तो छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है ना, फिर हम लोग उपचार करते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? यह बहुत ही संस्कृत के लिए तो बहुत ही मजबूत क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये आया है, और इस एग्जाम में केवल यूपी में मत कहो, ये राजस्थान में भी आया है ना, उत्तराखंड में, मतलब अलग अलग जगहों पे आप परीक्षा में देखोगे तो कई जगहों पर यह परीक्षाओं में आया है, पक्का आया है। तो कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक जो शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, ग्रामोफोन, श्याम पट, सभी लोगों को पता होगा कि कक्षा में, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री है वह है श्यामपट्ट।
बिना श्यामपट के कुछ हो नहीं पाता है। और जब से श्यामपट, अच्छा श्यामपट की जो उपयोगिता है वो शिक्षक पर डिपेंड करती है, को कितना उपयोगी उसको बना देता है। अब पता चला टीचर को लिखा ही नहीं आए, ऐसा श्यामपट है वो लिखना स्टार्ट करे ऐसे करके, ऐसे लिख दे, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करे ऐसे ऐसे लिखने लगे, वो क्या समझ में आएगा। तो शिक्षक की, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि जब आप स्कूल में जाएं तो देख करके लगे कि हाँ आप एक प्रशिक्षित टीचर हैं, प्रशिक्षित अध्यापक हैं, ऐसा ना लगे कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसा कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन अभी हिंदी में ही बनेंगे ऐसा है, और वैसे मैं दोनों मीडियम में क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं हिंदी में भी करवा देता हूँ। जैसे अभी देखो ये 2014 का पेपर है, ये हिंदी में ही आया है तो मैं हिंदी में करवा दे रहा हूँ, लेकिन आगे मैं ऐसे बहुत सारे सेट जो है मैं संस्कृत में भी करवा देता हूँ, ताकि अगर चेंज तो होगा जरूर, क्योंकि अब जो है चेंज धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया है। पहले हिंदी में ही बनते थे, अब बहुत सारे जगहों पर अब संस्कृत में पेपर बनने स्टार्ट हो गए, टीजीटी वगैरह देखो अब संस्कृत में, हालांकि पहले से बन रहा था कुछ, लेकिन अब जो है ऐसा बहुत सारी जगहों पर बात आ रही है कि संस्कृत का पेपर संस्कृत में बनाई जाए। तो इसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए, मैं दोनों मीडियम में करवा देता हूँ, अभी मैं आज करवा रहा हूँ, बीच बीच में आप देखेंगे हफ्ते में एक दो दिन में संस्कृत में भी करवाता हूँ, इसीलिए करवाता हूँ ताकि आप लोग, मतलब आप लोग की दोनों में पकड़ बनी रहे, ठीक है, इसीलिए करवाता हूँ। और अभी मैं सीटेट का जो करवाने जा रहा हूँ, सीटेट का पूरा क्लास इस पर यूट्यूब पर, वो दिन में एक क्लास होगी, उसमें आप लोग संस्कृत की पैडागॉजी और संस्कृत का जो पैसेज वाला आता है वो पार्ट वहां से कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से वहां भी हो जाएगा, हालांकि वो पूरा पूरा संस्कृत में आता है, तो संस्कृत में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है, इसी चैनल पे होगा, मैं बात किया हूँ, सर ने कहा है कि हाँ बिल्कुल सर, अब बहुत अच्छी आप सोच रहे हैं, तो निश्चित तरीके से कि इस पे ही क्लास मिलेगी आपको और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे उसमें भी, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख, प्रतिलेख क्या होता है पता है, चाहे बच्चा बोर्ड से चाहे बच्चा किताब से देख देख करके अगर लिख रहा है तो इसी को प्रतिलेख कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिलेख। जब आप लेखन पढ़ेंगे, ठीक, जब लेखन कौशल पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग बताते हैं कि यह प्रतिलेख क्या होता है। तो प्रतिलेख क्या है, पुस्तक, पुस्तक से कुछ अंश को देख कर लिखना, पुस्तक से या ब्लैक बोर्ड से या फिर जो मतलब ब्लैक बोर्ड तो वही श्यामपट से, इससे देख करके अगर बच्चा कुछ लिख रहा है तो उसी को प्रतिलेख कहा जाता है, ठीक है, इसी को प्रतिलेख कहते हैं। श्रुतलेख हुआ होता है जब बच्चा सुन करके लिखता है, ठीक, अध्यापक बोलता है और छात्र जब लिखता है तो सुन करके ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं श्रुतलेख, ठीक है, तो वो दूसरा होता है। यहाँ देखना छंदोबद्धता होती है, ध्यान देना, अगर कोई भी पद्य है, ठीक, अच्छा 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 चलिए ठीक है, तो पढ़ते रहें करते रहें, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आने, छंदोबद्धता। अच्छा चैप्टर वाइज वाली क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, कोई जग्गू भी थी और शायद कोई और भी था, वो हमसे बार बार कह रहे थे कि गुरुजी मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा जो आपका रिक्वेस्ट है, क्या नाम है आपका, नाम तो नहीं ले पाएंगे, प्लेलिस्ट मैं इसका बनवा देता हूँ, सर सभी बोल दूंगा कि सर जो है प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, तो प्लेलिस्ट बना देंगे। सौरभ सर अगर सुन रहे हो मेरी आवाज़ तो आज ही या कल तक बना करके, जब भी आपको समय मिलेगा बना करके इन लोगों को रेडी कर देगा ताकि खोजने में आसानी मिले। सी टेट के लिए अलग बनवा देंगे, यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट के लिए अलग बनवा देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों आसानी से रहेगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शशि भव, कीर्तिमान भव, तो आप लोग बस पढ़ते रहें समझते चलें। अच्छा जो चैप्टर वाइज होगी, जो चैप्टर वाइज होगा वो चैप्टर वाइज संडे संडे में रखेंगे और एक एक दिन में तीन तीन चार चार चैप्टर सफराएंगे, और 20-22 चैप्टर आते ही हैं आपको पता है, तो एक एक दिन में मजे मजे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम मान के चलेगा कि 200 क्वेश्चन के आसपास एक दिन में सफराएंगे, ठीक है। और आगे आगे जो होगा एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस सेट 10 या 15 प्रैक्टिस सेट को मैं अभी इसको डिजाइन कर रहा हूँ, वो आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ वो तो करवाते रहेंगे। तो ये पीडीएफ लेने के लिए फिर मुझको यहाँ से फिर जौनपुर सेंड करना पड़ता है, फिर जौनपुर से अगर वो समय से फाइल अपलोड हो गई तो ठीक है, अदरवाइज छूट जाती है, तो उसके लिए मैं कोई रुक जाओ कोई उपाय करता हूँ जिसकी वजह से, जिससे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, नाटक पाठों में, पद्य पाठों में और कहानी पाठों में। तो ध्यान देना जो छंद गायन में होता है ना, गाते हैं उसको हम लोग, तो एक काव्य में होता है, जब हम गाते हैं तब ना पद्य में ना,
उसी में। अच्छा मैं जो लास्ट दिन में मैं छंद पढ़ाया था, मैं छंद एक दिन पढ़ाया था, उसके उससे कई क्वेश्चन आ गए थे, मतलब कई नहीं, जो एक क्वेश्चन आज बहुत अच्छे सरल क्वेश्चन आते, कई नहीं एक क्वेश्चन आते थे राजस्थान में, उससे भी क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, बहुत सरल क्वेश्चन आया था। तो वो कुछ महत्वपूर्ण छंद है, उसको भी आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा छंद है वो सब। तो पद्य है, जैसे एक चीज ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है कि मेघदूतम, जो मेघदूत है, जो मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखा गया है, इसमें कौन सी छंद है? तो यह मंदाक्रांता छंद है। क्या है? मंदाक्रांता छंद। इसी तरह से पूछ देते हैं कभी कभी, शिशुपाल मधम नहीं पूछते हैं, किरातार्जुनियम पूछाता है, किरातार्जुनियम की एक लाइन बहुत फेमस है, कई बार आती है, कई बार आता है, हर एग्जाम में किरातार्जुनियम से क्वेश्चन आता है। वो वही है क्या कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, हितकर और मनोहर वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। यह लाइन हमको लगता है कि अभी तक हजारों बार न पूछ दिया गया हो, माने जितनी परीक्षा संस्कृत की हुई होगी उसमें 95% बार किरातार्जुनियम से यह लाइन आया है। बहुत बड़े एनालिसिस किए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर कर करके मैं एक आयुष्मान भव, बेटा आयुष्मान भव, एनालिसिस कर करके मैं एक साहित्य का पूरा पीडीएफ बना दिया हूँ, लगभग उसी से एक क्वेश्चन बनता रहता है। गद्य और पद्य, गद्य में क्या होता है, जिसे आप लोग लेख लिखा होता है वो गद्य होता है, उसमें छंदोबद्धता नहीं होती है, उसमें तुकबंदी नहीं होती है। और पद्य में क्या होते हैं, पद्य मतलब श्लोक होता है, ठीक है। अगर हम इसको गा करके बताएं तो मैं आपको भी, रुक जाओ, एक छोटा सा ले लेते हैं ताकि 2-4-6-10 लाइन में आपको गा करके बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टेंस पे है इसलिए हमको कैमरा को थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा ताकि दूर से उठ के लेना पड़ेगा, तब फिर कुछ बहुत सारे उसमें मैं आपको श्लोक सुना देता हूँ, लगातार श्लोक सुना देता हूँ, और वो सब बहुत सारे हैं ऐसे जो एग्जाम में आते रहते हैं। और ये सब छंद जो है ना, छंद बहुत बहुत ही फेमस होते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ना पूछें इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ना पूछें वो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हम वो नहीं पूछेंगे, कसम खा लिए कि नहीं पूछेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं, वो पूछ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, महामहिम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक सबका जो है मंगलाचरण ही जरूर गाया करिए आप लोग, जैसे अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद भी गा सकते हैं, अनुष्टुप छंद है, शिखरणी है, हरणी है, शार्दूल विक्रीडितम है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। जैसे मैं अभी बता दूं आपको, अनुष्टुप इंद्रवज्जा उपेन्द्रवज्जा उपजाति वंशस्थ भुजंग प्रपात द्रुत विलंबित वसंत तिलका मालिनी मंदाक्रांता शिखरणी शार्दूल विक्रीडितम स्तग्धरा, और एक आर्या होता है जो एक कई बार एग्जाम में इतने में से आता है। ये कुल 14 जो छंद हम आपको बताएंगे, छंद तो बहुत सारे हैं लेकिन 14 छंद जो है इसी से परीक्षा में आपका काम बन जाता है, ठीक है। जो मैं बार बार अभी चर्चा कर रहा था कि उसमें से आता है क्वेश्चन किरातार्जुनियम से, तो हम उसी का सुना देते हैं, या फिर पूर्वमेघ उत्तरमेघ जो है मेघदूत का पढ़ लीजिए, वो भी है मंदाक्रांता छंद में, ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है। मंदाक्रांता छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं, एक एक पद में, एक एक पद में 17, कुल 4 पद होते हैं, पहला उसमें गुरु होता है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैसे गाते हैं हम, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः सापि नास्तांगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरशुवशतिं रामगिरियाश्रमेषु। नना एकदम नहीं गरीबी है, आप जीडीपी को मतलब थोड़ा सा कार्य करिए, अपने आप मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते आयुष्मान लोग। तो इस तरीके से यह गाने का क्रम होता है मंदाक्रांता छंद को, जितने भी मंदाक्रांता छंद सब इसी तरीके से गाएंगे। कैसे, तस्मिनाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रांसरिक्त
प्रकोष्ठः। अब जब इसके अर्थ को बताएंगे तब आपको समझ आएगा, नहीं तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। फिर कहेंगे पता नहीं गुरुजी क्या क्या ऐसे गा रहे हैं, सुना रहे, क्योंकि सबको संस्कृत जरूरी नहीं है कि सबको संस्कृत का ज्ञान हो और सभी लोग संस्कृत जान रहे हों, ऐसा भी कोई बहुत बड़ी कंडीशनली ऐसा तो है नहीं। ठीक है, बहुत पहले हमको भी नहीं पता होता था। इसी तरीके में इसी क्रम में होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ। वंशस्थ छंद का लक्षण है और इसमें कहते हैं कि जगण तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण। अभी जगण क्या होते हैं ये सब गण आप लोग पढ़े होंगे, य माता राजभान सलगा, छंद उसी पे चलता है ना, याद होगा कैसे कैसे कहाँ लघु कहाँ गुरु होते हैं। तो पहला कहता है जगण फिर तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण, ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। और इसमें जो है किरातार्जुनीयम लिखी गई है कैसे कि श्रिय कुरुणाम, जैसे हम गाएं वैसे ही गाइएगा तो आप बैठ जाएगा आराम से, नहीं तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नहीं बैठता था पहले जब हम नहीं जानते थे छंद, तो हम नहीं जान पाते थे जब छोटे थे, तो जब जानने लगे तो समझ में आ गया इसका क्या महत्व है। जैसे जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, श्रियः कुरुणाम् अधिपस्य पालिनीम् प्रजासुवृत्तिम् यमयुक्तवेदितुम् सवाणिलिङ्गे विदितः समययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनिचरः। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इसी क्रम में एक लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है संस्कृत दृष्टि से, याद कर सुन लीजिए, कभी कभी इसी क्वेश्चन आ जाता है, वो यही लेनिया दे करके पूछते हैं कि यह किसका मंगलाचरण है, किरातार्जुनीयम का है। ठीक है, मैं अनावश्यक श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, श्लोक तो इसमें बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जरूरी है वही गा भी रहा हूँ, ताकि कभी कभी सुनना हुआ चीज याद आ जाता है एग्जाम हॉल में, कभी कभी ना पढ़ाओ कहीं सुनाए रहो तो आ जाता है। ठीक है, ध्यान से आगे नहीं नहीं थोड़ा कोशिश करो, कभी कभी आ जाता है। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसका, जो कई बार एग्जाम में आया, बताओ 95% आया है कि क्रियासुयुक्त निपचारक चक्षुषो न वंचनीया प्रभोनुजीवी अजो अतोर हसी छन तुम साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। उसमें बता रहे हैं कि हितकर और मनोहर ऐसा वचन दुर्लभ होता है। इस इतने अच्छी केवल बात को आप लोग ज्ञान में रख लीजिएगा, इसका एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 95% संस्कृत की परीक्षाओं में आता है, हमें देखे हैं। अभी जो सुपर ट्रेड का हुआ था, अभी भी ना हुआ है जूनियर वाली, उसमें भी यह क्वेश्चन आया, उसमें भी दो तीन चार क्वेश्चन आए हैं इससे, और हमें देखे हैं कि जो जनरली हम लोग बात करते हैं उधर से क्वेश्चन आ जाए। तो यही है बेटा पद्य, कोई हमसे पूछा था सर पद्य क्या है, तो कहानी वगैरह ऐसा जाता है नॉर्मली तो गद्य में होता है, और पद्य पाठ वे होते हैं जिसमें छंदोबद्धता होती है, इसमें किसी विशेष छंद में कोई श्लोक लिखा जाता है, और इसमें कोई तुकबंदी ऐसा, जिसे हिंदी में जाओगे तुकबंदी वगैरह सब मिलता है। फिलहाल हमारे यहाँ छंद में क्या होती है, छंदोबद्धता मिलती है, उसका एक अपना यति होता है, विराम होता है, सबका एक फिक्स जगह होता है, जब छंद पढ़ोगे तब आएगा। फिलहाल छंद आपके यहाँ तो सिलेबस में नहीं, लेकिन राजस्थान के सिलेबस में जरूर था। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, अब बताना यहाँ से कौन इसमें से अशुद्ध वाचन का कारण कौन है। ठीक है ना, बताओ। अब उनका बहुत जल्दी हो गया, अब क्या करें, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सब जो है चलता ही रहे, अरे आगे बढ़ा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लागू हो, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, या सस्वर वाचन। जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे ना, तो गुरुजी एक चैप्टर पढ़ाते, पता चला एक पैराग्राफ पढ़ाते तब तक उस बीच में कोई नया कहानी बताने लगते, नया नहीं वो पौराणिक कहानियों को उठा कर करके ही कहानी बताने लगते।
तो ऐसा नहीं था तो उस कहानी का इससे कोई लेना नहीं होता था। इससे क्या हुआ, हम लोग पास बहुत सारी कहानी दिमाग में हो गई। और इसका लाभ कहाँ मिलता है, इसका लाभ यहाँ मिलता है कि जब हम लोगों के पेपर में पैसेज आता है तो आप लोग कहते हैं यह अपठित पैसेज है, लेकिन हम कहते हैं यह सुनी गई पैसेज है। ठीक, कहीं ना कहीं हम लोग सुने होते हैं, ध्यान नहीं दिए होते हैं। प्राथमिक किताब में जो जितनी छोटी छोटी लघु कथाएं वगैरह सब कुछ मिले उसको पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, वही सब पैसेज के फॉर्म में बन के आ जाती हैं। और जब एक बार हिंदी में या कथा किसी तरीके से सुने रहो तो किसी भाषा में रहे जल्दी समझ जाते हो, तो उसका लाभ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, यह पूछा जा रहा है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, या उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी। सस्वर वाचन, अब बताओ सस्वर वाचन करोगे तो शुद्ध उच्चारण होगा कि अशुद्ध वाचन होगा। तो प्रश्न संख्या 5 में अगर हम बात करें तो यह डी वाला अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है भाई। यह अशुद्ध वाचन का कारण सस्वर वाचन कैसे हो सकता है, कोई बच्चा सस्वर वाचन करेगा तो अशुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। सस्वर वाचन करने से उसकी जीवा टूटेगी, अच्छा मजबूती से करेगा और अच्छा सब कुछ देख लेना। उच्चारण संबंधी अभ्यास कमी करोगे, हो सकता है अशुद्ध कर सकते हो। ठीक, प्रयत्न लागव, ऐसा ऐसा कर सकते हो ना। उस क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ता है, उसमें एक अशुद्ध भी लगा दिए हैं फिर आगे नहीं भी लगा दिए हैं, तो उससे थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है कि कौन क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाता है, वो होता है ऐसा। क वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ उच्चारण स्थान तो मैं संदर्भित कुछ और सूत्रों को बता देता हूँ, और अगर मेरे ध्यान से क्लास में रहोगे तो एक एक कर करके मैं सारी चीज लोगों को बता देता हूँ। क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, मतलब क्या है। अवर्ण का अ के कितने भेद बताए कोई कमेंट करके। कु मतलब होता है क वर्ग, कवर मतलब क ख ग घ ङ, और ह मतलब ह, जो आपका हयवरट का हल ह है, या फिर स स स स में जाएंगे आप जाएंगे तो वहां ह मिलेगा, उष्व वर्ण, वो दोनों जगह हल्का ह, वहां भी दोनों सही है। और विसर्ग का, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ के कुल 18 भेद हैं, 6 हरस्व के, 6 दीर्घ के, 6 प्लुत के, तो 6 त्रिक 18। ठीक है, जिसके कोई एक नहीं बनेगा उसका 6 कट जाएगा। जैसे मान लीजिए लरी वर्ण का, लरी वर्ण का क्या होता है, दीर्घ नहीं बनता है, तो इसका दीर्घ का 6 कट जाएगा, तो 6 6 12 ही बचेगा। ए पूछ देंगे ए का कितना होगा, ए ओ आय, और इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके हरस्व नहीं होते हैं, इसके हरस्व नहीं होते हैं, तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा और प्लुत बनेगा, तो दीर्घ के 6 प्लुत के 6 12 बनेंगे, तो इसके भी 12 इसके भी 12 और अ ई उ री, इन सबके 18 बनते हैं, 6 6 6, क्योंकि उनका हरस्व दीर्घ प्लुत सब बनता है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचूय शा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठम मेदयतौ कंठ तालु ओदौतौ कंठोष्ठम। अब क्या बचा, मुख नासिका वचनो नुनासिकः, अब क्या बचा, पंचमाक्षर नासिका च। इस तरीके से बहुत आप धड़ाधड़ उचारते चले जाओगे सब हो जाएगा, बस अभ्यास करना पड़ेगा। इच्छुआक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, बताओ यह पुस्तक ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन पूछते वक्त तो नहीं शर्म आई, क्वेश्चन कट से पूछ लिए परीक्षा में। इच्छुआक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है किस ग्रंथ में, कोई बताए हमको। यह पुस्तक सिलेबस में आपके नहीं है, रघुवंशम में है, और पता है रघुवंशम महाकाव्य है, कवि कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है रघुवंशम। टीजीटी किस भी सिलेबस में रघुवंशम नहीं है, टीजीटी में कादंबरी का शुकनाशोपदेश वगैरह आता है, मेघदूतम आता है, दस कुमार क्षेत्र पीजीटी में आता है, टीजीटी में ये भी नहीं है, रश्मिशोत्तम इसमें नहीं है टीजीटी में। सोचो यह आपके प्राइमरी में क्वेश्चन बन जाता है, तो संबंधित चीजों का पता करना चाहिए। इच्छुआक वंश रघुवंशम में भगवान रामचंद्र के वही इच्छुआक वंशी थे ना, तो उनके बारे में पूरा अध्ययन मिलता है रघुवंशम में, ये ध्यान देना। ये लो बहुत अच्छा, इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ऐसा कई कई परीक्षा हुआ होगा इसमें इससे क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक, इससे पंचमाक्षर नासिका च यमनम नासिका च, बात वही हुआ, रट के राइट हो बेटा, कह रहे हो कि आ नहीं रहा है, क्या बात है।
वाह भाई, चलो तो क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से या फिर काव्य शास्त्र से। सबको पता है पाणिनि जी अष्टाध्याय व्याकरण लिखे हैं, तमाम सूत्र लिखे हैं, ठीक, क्या लिखे हैं उसमें, सूत्र लिखे हैं। सूत्र वाली ग्रंथ कौन सी है, अष्टाध्यायी, इसीलिए पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, कितने खंडों में किया है, ज्ञानवान लोग उत्तर करते रहे। हाँ ठीक, जल्दी से बताएं, सभी लोग बताते चलें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर लेता हूं ना कि अगर जो लोग कभी पढ़े हों या डिटेल क्लास मेरी न मिल पाई हो या वो पेड क्लास में न गए हो, तो थोड़ा उनका मत मेहनत, थोड़ा हमारा मेहनत, हो सकता है उनका कुछ लाभ होता चले, ठीक है, इसलिए बता देते हैं। और संस्कृत का जो हमारे यहाँ ये सब बना होता है, जरूरी नहीं है कि उसमें सबका अपना मतलब हो, सारे के सारे ऑप्शन के, कभी कभी कुछ एकदम ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा भी छपा होता है, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है 14 खंडों में, कोई कहे सर 18 खंडों में क्या है, कोई खोजते खोजते बता दिया कि 18 का मान लीजिए महाभारत को घुसाला है, सर 12 में बताओ, सर 16, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, 14 खंडों में। और ये कहाँ से है, ध्यान देना, वही 14 खंड है माहेश्वर सूत्र, क्या है, माहेश्वर सूत्र। और मैं इतनी बार क्यों गाता हूँ माहेश्वर सूत्र को, ताकि आप लोग एकदम जबरदस्त याद हो जाए। टीजीटी का इंटरव्यू देने गया था एक बच्चा, उससे पूछ दिया माहेश्वर सूत्र, टक गया। एक दो लोग, कई छो एक आध कभी कभी हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि टीजीटी के बच्चे, मतलब टीजीटी लेवल में उनसे पूछ जाता है कि आप जो है माहेश्वर सूत्र को लिख दो, तो वो भ्रमित हो जाते हैं लिखने के, मतलब नहीं लिख पाते हैं सही। मैं गाता रहता हूं ताकि आप लोग कम से कम अभ्यस्त हो जाए, मेरे हर एक बार गाने का अपना कहीं ना कहीं महत्व जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा, ध्यान सुनना कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उंडरिल कै ओम यौ चहय वरटलन यमंगण नमा झभाया गढ़दासा जब गढ़दासा खप छठ था चटतावा कपाया सस सरहला, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उड़िल कै ओम अयोच हय वरट लणय मण नम झभाया गढ़दास जब गढ़दास खप छठ था चटताव कपाया सस सरहला, बोलो श्री राम जय राम। चलो स्लाइड भी मैं खोज के निकाल लाया तब तक, ठीक है, गाते ही गाते में हमको याद आया कि स्लाइड में बना कर करके प्लस क्लास वालों को पढ़ाने के लिए रखा था, तो वो वाली स्लाइड पे मैं सीधे सीधे नहीं आ पाया, बट आपके सामने वो स्लाइड आ गई है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एक बार आप देख करके हमारे साथ दोहराइए कि बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो आई उड़िल कै ओम यौ च हय वरट लणय मण नम झभाया गढ़दास जब गढ़दास खप छठ था चटताव कपाया सस सरहल, बोलो श्री राम जय राम। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का 1 मिनट का समय अवश्य लूंगा यहाँ पर। यह क्यों लूंगा, समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अंतिम इत हलंत वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हो करके लोप हो जाता है, ठीक, पहले इसका हलंतम से इत संज्ञा होता है, फिर तस् लोपह से इसका लोप हो जाता है, ठीक, पहली लाइन ध्यान दीजिएगा, मतलब यह काउंट नहीं होता। इसमें जो एक ड वर्ण है, आप यहाँ देखें, ड एक यहाँ है, एक लड़ यहाँ, यही केवल अंत में 2 बार आया है और कोई नहीं आया है, और ह वर्ण 2 बार आया है लेकिन गिना 1 ही बार जाता है, ठीक, एक हयवरट का ह, एक यहाँ का ह, तो यह ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको फिर से इरेस कर करके साफ कर करके और फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ,
या ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता चलेगा। ये यहाँ पे तो था, कहीं और, कहीं नहीं और है, यहीं पे था। तो यहाँ पे साफ साफ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वर्ण समान नया सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी में संस्कृत वर्णमाला है। ठीक, इसके अंत में जो यह कलर मैं कर दिया हूँ, ये सब सभी के सभी, ठीक, रंग का ये सब जितने भी हैं, सब के सब इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम होता है, और इत संज्ञक वर्णों को लोप करने के लिए सूत्र तस्य लोपः होता है। ठीक, तो यह वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ बातें और यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, इसका अन्य नाम क्या क्या है? महासव सूत्र का अन्य नाम, महासव सूत्र का अन्य नाम है चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। क्यों? चतुर्दश मतलब 14 सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र का मतलब इसी से पूरे पूरे प्रत्याहार बनाए गए हैं, 42 44 जो भी आप कहते हो। ठीक, शिव सूत्र, क्योंकि भगवान शिव से निकले थे, महासव सूत्र, दोनों नाम समझ ही रहे हैं। वर्ण समामनाय सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत की पूरी वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला इसी से बनी है, या कहिए इसी में समाहित है। ठीक है, ये वर्ण समामनाय सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र क्यों कहे? क्योंकि इसी से तो पूरे प्रत्याहार बनाए गए हैं, इसी से बनाए गए हैं, तो इसलिए यह कहा गया। इसमें थोड़ा चल के समझ लेते हैं, यहां से देखो, अ ई उ ऋ। अब अंतिम को मत जोड़ना, अब वहां से बार बार एक ही चीज मत पूछना, ठीक है, अंतिम को मत जोड़ना। अ ई उ ऋ, ये जो दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों में पांच मूल स्वर रखे गए हैं, और ए ओ आय अ, ये देखो संयुक्त स्वर हैं, तो इसको मिला दोगे तो कुल 9 स्वर हो जाएंगे। ठीक, 9 स्वर। शुरू के 4 सूत्रों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सूत्रों में क्या रखा गया है? 9 स्वर रखे गए हैं। फिर आप यहां से देखोगे, पांचवां से लेकर 14वां तक ये कुल 10 सूत्र हैं, ऊपर 4 हो गए तो नीचे 10 बचे, 10 सूत्र हैं, इसमें व्यंजन वर्ण रखे गए हैं। और ये ध्यान देना, ह को यहां से छोड़ो, ये ह यहां से लेके चले आना। कहोगे क्यों रखा गया था? वो हस्त प्रत्याहार बनाने के लिए रखा गया था, ये ह और श लेके हस्त प्रत्याहार बनाया गया है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। पहले ह काट दो, यहाँ ह यहाँ पे चले आएगा नीचे। यह जो हयवरट का य व र ल, य व र ल, इसको मिला करके यण प्रत्याहार बनाया गया, और इसी को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, सबको पता होगा, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे सभी वर्गों के पांचवें वर्ण रखे गए हैं, इसमें दोनों मिला के देखोगे तो सभी वर्णों के चौथे रखे गए हैं, मतलब झ भ घ ढ ध। फिर देखो इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण रखे गए हैं, यहां से यहां तक देखो क का ख, क वर्ग में ख आता है, फिर देखो प वाले में फ आ जाता है, सबका दूसरा वर्ण है, ख फ छ ठ थ, माने आगे पीछे है लेकिन दूसरा वर्ण है सबका। फिर च ट त, तीन यहाँ, क प यहाँ, अंतिम वाले को छोड़ दिया करो, च ट त क प, इसलिए च से लेके य तक चय प्रत्याहार के अंतर्गत में वर्गों का प्रथम वर्ण रखा गया है। तो इसको इसको दोनों को मिला दोगे तो ये देखोगे आप, प्रथम वर्ण, फर्स्ट वर्ण रखा गया है सभी का, पांचों वर्गों का। फिर स स स ह, ये तीनों स और ह, इन दोनों को मिला दोगे तो ये सल प्रत्याहार का वर्ण है, जिसको हम लोग उष्म वर्ण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर चार ठो य व र ल, चार ए हो गए, और स स स ह, चार सल हो गए, और यहां से आप जोड़ लो सभी के ग्रुप के पांच पांच होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, नीचे 4 5, फिर 1 2 3 4, नीचे हो गया, तो सभी में पांच पांच हैं, तो कुल 5 5 25, इसीलिए 25 स्पर्श वाले हो गए, 4 अंतस्थ वाले हो गए, और 4 उष्म वाले हो गए। लगे हाथ में इसको थोड़ा कम समय में मैं बता दिया, अगर समय थोड़ा ज्यादा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ बहुत सारे लोगों का इसमें काम बन गया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। तो ये 14 जो खंड हैं, ये महेश्वर सूत्र ही हैं। ठीक, महेश्वर सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, त वर्ग का उच्चारण स्थान बता दो बेटा, त वर्ग का। ठीक है, ज्यादा समय लगा हो तो सॉरी, बस लगे रहोगे तो बता देते हैं। कुछ समय देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आता है, और चूंकि जो लोग पढ़े थे उनका सेट हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, जो लोग बिल्कुल नए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन उनको हम यही कहेंगे कि बस बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर? लृतुलसानाम दंताः, लृ तु ल स, तु मतलब त वर्ग, मतलब त थ द ध न, इन सभी वर्ण का
एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि लृत लसा नाम दंता में कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है, तो लृ हो गया एक, त वर्ग में हो गए पांच, ल हो गए एक, स हो गए एक, तो दो एक एक दो पांच सात और एक आठ वर्णों का बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब मैं बार बार बताता हूं तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, घुमा टेढ़ा कर करके क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग अटक जाते हो। क्वेश्चन दे दिया गया था कि ऋतु ल सा नाम दंता इस सूत्र में कुल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है, तो लोग गिन ही नहीं पा रहे थे। लि मतलब एक, तू तू मतलब त वर्ग मतलब पांच, तो एक प्लस पांच, ल मतलब केवल एक, एक ठो ल, और स मतलब एक ठो। ये न न जो है ना, ये राम राम नाम नाम जो बनता है बहुवचन वाले में रूप वो है, ठीक है, वो आप इसको छोड़िएगा, इन सभी का ना षष्ठी बहुवचन में बनता होगा। किसमें बनता है राम, किसमें बनता है, किसके बहुवचन में, सप्तमी में कि षष्ठी में। इसमें क्या हो जाता है, पांच एक छ, एक सात और एक आठ, कुल आठ वर्णों का क्या होता है, लित लसा नाम दंता, यह हो जाता है। यहां देखते हैं, गम धातु का लोट लकार आज्ञार्थ होता है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा, आज्ञार्थ होता है, ठीक, आज्ञा के अर्थ में, प्रथम पुरुष का है, एक ही वचन का है, माने पहले वाला है, ये पूछा जा रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, अभी जो लोग पढ़े होंगे पता होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, यही वाला पूछ रहे हैं, क्या होगा, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर, गच्छतु गच्छताम गच्छेयुः, गच्छतु होगा, क्या होगा, गच्छतु पित्रा, उसका कोई टोन नहीं बनाए हैं, बस उसको प्रैक्टिस करते करते बना देते हैं, ठीक है, नहीं अब बिल्कुल तबीयत थोड़ा बहुत अच्छा हो गए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं बच्चे हैं, ठीक है, धन्यवाद आपको, आप भी भगवान आपको भी कुशल मंगल करें, हमको मालूम है कि आप लोग इतना दुआ आशीर्वाद दे देते हैं भगवान से कि अगले दिन ही सही हो जाएंगे, जब ज्यादा दिन गिरते हैं बड़ा डर लगता है, लेकिन हफ्ते हफ्ते भर चले जाते हैं, चक्कर कोई तीन चार चार दिन, फिलहाल बड़े सही हो गए हैं, देखते हैं आगे। पित्रा, पित्र शब्द के किस विभक्ति में, पित्रा ही क्यों पूछे, पित्रा ही क्यों पूछे, पता है बार बार वो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और पित्रासह पुत्रह आगच्छति, हाँ, पिता के साथ पुत्र आता है, बार बार इसी का प्रयोग होता है, इसीलिए इसी को पूछते हैं, ठीक है, इसीलिए इसी को पूछते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो शब्द रूप के लिए तो मैं लगभग लगभग सबका बता दिया हूं। शब्द रूप ध्यान से देखिएगा, पुलिंग के और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग के लिए आप अकारांत इकार सबका ह्रस्व, अकारांत ह्रस्व अकारांत ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत और ऋकारांत, ठीक, ये चार ठो आप याद रखिएगा। स्त्रीलिंग के लिए केवल दो, दीर्घ इकारांत दीर्घ आकारांत, दीर्घ आकारांत दीर्घ इकारांत, बस इतना याद रखिएगा, दो काम बन जाएगा। नपुंसक लिंग केवल अकारांत याद रखिएगा, काम बन जाएगा। चार तीन सात पर अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो हमको उम्मीद है कि जब किस्मत बहुत खराब रहेगी तभी वो दूसरा पूछेंगे, अदरवाइज ये सब इतने में ही निपट जाते हैं, जितने भी आप देखोगे सब इसी में ही हो जाते हैं। चलिए मैं आपको अभी गा करके इसको भी बता दूं, कितने लोग सुनने के लिए हैं, कितने लोग नहीं सुनने के लिए हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को गा करके अभी बता देता हूँ, ध्यान देते, शायद उसका भी मैं बना करके रखा था शब्द रूप का, शब्द रूप शब्द रूप शब्द रूप, ये क्या है शब्द रूप का, ये शब्द रूप का क्या है, ये शब्द रूप का क्या है, हाँ मिल गया चलो काम होने से मतलब है, देखो यह अकारांत पुलिंग का है ना, कैसे याद करोगे मैं ये बता देता चलू, बहुत सही है, बड़ा किस्मत बहुत अच्छी है कि पटपट मिल भी जा रहा है, नहीं तो इतना सारा फाइल मिलवे नहीं करता, शब्द रूप डालते ही सही जगह सेट था, मिल गया। चलिए देख लेते हैं इसको, देखते हैं कैसे गाएंगे ना, यहाँ पे देखो सबका क्या है, एक वचन है यह अकारांत पुलिंग एक वचन, मैं जो जो बताया उसी को क्यों बताऊंगा, ठीक, सबका एक वचन प्रैक्टिस कर लीजिए, द्विवचन एक जैसा लगभग होता है, बहुवचन में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, दो तीन चीजें चेंज होती हैं, लेकिन सबका पहले एक वचन ध्यान दो, ऐसे करोगे पहले अकार बता रहे हैं ना, सभी लोग रेडी हैं हमारे साथ गाने के लिए, गाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज गाय नहीं आएगा, फिर बता रहे हैं, ठीक है, हाँ गा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पट पट करोगे, हाँ कैसे, कि फूल तुम्हें भेज, देखो सभी लोग 18 प्लस के हो, मेरी भावनाओं को समझो, मैं यहाँ पर किसी को फूल नहीं भेज रहा हूँ, बस एक टोन दे रहा हूँ, आप लोग 18 प्लस बुद्धिमान हो समझदार हो, मतलब गुरु जी जो है गाना गा रहे हैं, आँख कान पीछे पाछा मत करो, सीधे देखो,
फूल तुम्हें भेजा है खत में, और फूल ही तो मेरा दिल है कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए संगीत है, झल्लिया गाओगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा आराम आराम से गाओगे तब फिर हो जाएगा, ठीक है। कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, और फूल ही तो मेरा दिल है राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम श्याम श्यामम श्यामेण श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम बालकः बालकम् बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक सुरेशः सुरेशम् सुरेशेण सुरेशाय सुरेशात् सुरेशस्य सुरेशे सुरेश प्रकाशः प्रकाशम् प्रकाशेण प्रकाशाय प्रकाशात् प्रकाशस्य प्रकाशे प्रकाश। आप लास्ट में ही लगा लीजिएगा रामाह रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम फूल तुम्हें भेजा है खत में, अफूल ही तो मेरा दिल है। अच्छा एक बात ध्यान देना, जितना भी प्रथमा का है सबका प्रथमा ही ध्यान दो, द्वितीया विभक्ति में आप देखोगे इसका द्विवचन में अगर आप देखोगे माने यह एक वचन का है, सबका एक वचन का है, प्रथमा नहीं कहो सबका एक वचन का है। द्विवचन अगर आप ध्यान दोगे तो दो तीन दो रूल चलता है कि रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम, देखो दो फिर तीन फिर दो, और ये लास्ट वाले में तो यहाँ का हो जाता है, ठीक दो तीन दो लगभग ये सभी में चलता है, चाहे आकारांत हो इकारांत हो, बहुत सब है, कहीं कहीं बदलाव होगा अदरवाइज हमको नहीं लगता है, बहुत कम हम देखे हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लो कि राम और चाहे भ्याम 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 खाली द्वितीया के बहुवचन द्वितीया सॉरी द्विवचन के तृतीया चतुर्थी पंचमी में आता है, ये फिक्स जगह है, और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भय भय है आता है, कुछ आइडिया बना लो, ठीक कुछ आइडिया बना लो के काम बन जाए। अभी हम वहां चलेंगे तो फिर बात करेंगे, उसका भी आइडिया बता देते हैं, वो मैक्सिमम वही देखने को मिलता है बेटा, यहाँ ध्यान दे रहा कि रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो हे रामौ, अभी मैं बार बार नहीं कहूंगा रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामौ, तो आप इससे प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। मैं केवल सबका एक वचन पे थोड़ा ज्यादा समय दूंगा ताकि वही जरूरत होता है। देखो ये चतुर्थी देखो भया भया ये फिक्स है, फिर मैं षष्ठी में बताया था ना राम 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 आता है, सप्तमी सुसु आता है, और ये जहां जो ये होता है ऊपर वाला नीचे जाता है, केवल यही द्वितीया और तृतीया कई जगहों मान के चलो प्रथमा का बहुवचन द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का बहुवचन इसी में अकारांत इकारांत उकारांत चेंज होने पे चेंज होता है। इसमें भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा कि बहुवचन में अक्षर के दीर्घ ही होता है, दीर्घ ही बनेगा, ठीक जैसे यहाँ रामान रामन नहीं हुआ या रमान ऐसा कुछ रामान यहाँ दीर्घ ही है, फिलहाल रामा तो ऐसे ही चल रहा था, तो आगे हम दिखाएंगे भी आपको। और इसके नीचे आप देखोगे ना तो बहुत पक्का फिक्स एकदम कॉन्स्टेंट है, सप्तमी में सुसु षष्ठी में राम राम पंचमी भय चतुर्थी में भय, और क्वेश्चन भी हम देखे हैं ज्यादातर षष्ठी सप्तमी या नीचे पंचमी तक आता है, कभी कभी द्वितीया या तृतीया पूछा जाता है जिसे नदी वगैरह हुआ या हरि वगैरह हुआ, तो आप उसको यहाँ पे केवल बस ध्यान दोगे और सब काम बन जाएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं अकारांत, देखो यहाँ पे देख लो एक साथ देख लो कि राम रामम रामेण, देखो यहाँ पे ये रामेण ये नकार का नकार और नकार का नकार कैसे बनेगा इसका नियम है, यहाँ देखो नाम नाम लगा दिए, ठीक है तो ये सब कुछ यहाँ पे है, अलग अलग छापने में ऐसा हो जाता है बट ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो अगर यहाँ रामेभ्यः रामेभ्यः रामानाम रामेषु, यहाँ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों फिक्स है,
और ये दो दो तीन दो का रूल है, ध्यान में बैठा लो, काम खत्म, इतने में इक्वल कर लो बस ना। आगे देखते हैं कि बालक कभी हो गया, अरे सब उसी का है क्या? हाँ, इकारांत में आ जाओ, इकारांत में, इकारांत, इकारांत में कैसे करोगे? हरि हरि ना, इसको कैसे करोगे? कि तेरा मेरा साथ रहे, कि जिंदगी की आस रहे, तेरा मेरा साथ रहे, कि जिंदगी की आस रहे। क्वेश्चन तो आगे बहुत आएंगे, किसका किस विभक्ति में है, किस वचन में है, यही पूछता है, और क्या पूछेंगे। तो उसका क्वेश्चन भी आएगा, हम आगे करवा देते हैं, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एक लाइन आपको मिल जाएगा। आप घर पे जाओगे, जब हमारी तरीके से किताब उताब कुछ बना के खोजोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको कम से कम शब्द रूप याद करने में आसानी होगी। और दो दो बार अगर आप सुबह शाम दोहराते चलेंगे तो आपका बहुत मस्त हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कि तेरा मेरा साथ रहे, कि जिंदगी की आस रहे, हरी ही हरिम हरि ना हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे, हरी ही हरिम हरि ना हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे, हरी ही हरिम हरि ना हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। दो तीन बार प्रैक्टिस किया, देखिए यहाँ भी दो तीन दो, हरी हरी हरि भ्याम हरि भ्याम, हरियो हे हरी, हरी हरी हरि भ्याम हरि भ्याम, हरियो हे हरी, हरी ही हरिम हरिना हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। अच्छा नीचे देखिए, यहाँ देखिए शु राम भ्य भ्य फिक्स है, केवल इसी तीन में चेंज है, और यहाँ दीर्घ वाला का ध्यान देना कि हरी न दीर्घ लगा है। अब मैं जल्दी जल्दी सबका गा करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको तो यहाँ पर लिखा है, अलग से कर दिए हैं इसको केवल। और आगे आइए, उसी तरीके से जैसे हरी चलेंगे उसी तरीके से मुनि चलेंगे। मुनि ही मुनि मुनि ना मुनाई, मुने मुनाओ हे मुने, ऐसा मुनि ही मुनि मुनि ना मुनाई, मुने मुनाओ हे मुने। फिर आगे देखिएगा, गुरु का भी इसी तरीके से टोन में चल जाता है कि गुरु। अच्छा ये जो जो एक वचन का होता है ना, इसका संबोधन में आते आते चेंज हो जाता है, लेकिन द्विवचन का और बहुवचन का संबोधन प्रथमा वाला ही दिखा रहता है, एकदम स्पष्ट वही रहता है। गुरु हे गुरु। तो ये हो गया आपका उकारांत। यहां देखो ये सेम ही रहता है, दो तीन दो, वही रूल चलेगा। गुरु 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 भ्याम गुरु वो हे गुरु। इस टोन में आप गाएंगे, मजे में लेके चले जाएंगे, बहुवचन वाला भी वैसा ही है। देखो शू राम भ्या भ्या, फिर यहाँ तीन ठो चेंज है, यहाँ भी देखो दीर्घ है गुरुन और गुरु भी, यह बस ध्यान देने वाली बात वही तीन ठो है बस। और यहाँ भी देखो भानु है, भानु भानु भानुना भानवे, भानो 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 हे भानो। अब इस तरीके से सभी अपना बनाते चलिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ काम का था, पितृ शब्द ऋकारांत आया था ना, ऋकारांत। आज मैं पुल्लिंग का सब बता दे रहा हूँ, नपुंसकलिंग का किसी और दिन, स्त्रीलिंग का किसी और दिन बता देंगे। क्या है? पिता पित नहीं, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है उठा बरनी जागा जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। मार के जगाओ सबको, उठा
उठा वरनी जागा जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। हम सीख रहे थे, हम मेरे पास फिर मेरा भाई लेके चला गया, फिर दिया ही नहीं, फिर हमको नहीं, हम सीख ले होते तो हमको आनंद मिलता, हमको मालूम था हारमोनियम में सारे मजा आ जाता है। तो उठा वरनी जागा जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। उठा जूही चला जल्दी, तो है पढ़ने आना है। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुहु पितुहु पितरी हे पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुहु पितुहु पितरी हे पितः। ऐसे करोगे, यही पित्रा है, तृतीया में बना है, और मैं इसी को बार बार आप लोगों को गा रहा था, जो कह रहा था कि आप कर लीजिएगा। इसमें भी वही हाल है, देखो पितरऊ पितरऊ पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, दो तीन हो गया, फिर पित्रोह पित्रोह, दो तीन दो यहाँ भी चलता है। और इसका भी अगर आप बहुवचन देखेंगे तो सूडाम्भ्यभ्यभि पितृन, ध्यान देना यही पूछता है, पितृन दीर्घ होता है। मैं कई जगह दिखाया हूं आपको जहां दीर्घ ही होता है बहुवचन में, तो ये ध्यान देना दीर्घ होता है इसके साथ में, बस अंदाज भी मारोगे तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से। यह या तो नीचे से आएगा पितृराम, देखो यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी देखो दीर्घ है, दो बार री री लगा है, ऐसे दीर्घ री वाला है। तो इसको बस ध्यान देना और सारा काम निकल जाता है, सबको इतना याद नहीं रहता है। हम लोग भी दिमाग बस एक मैप टाइप का बना लिए हैं, उसी पे काम हो जाता है, नहीं बहुत सारे शब्द है, पूछ दिया जाए तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, क्या किया जाएगा। तो यहाँ देखो पित्रा पितृ शब्द के किस व्यक्ति का है, तो तृतीया तृतीया एक वचन का है, ठीक। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुहु पितुहु पितरी हे पितः। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत देर से आप लोग जुड़े थे कब से, लेकिन बहुत आज एक्स्ट्रा पढ़ लिया आप लोग, आज बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट पे चर्चा हो गई है, हमें देख रहे हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट पे। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है, अथवा फास्ट करेंगे 28 होता है, ठीक, 20 और 8 28। पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है, पावक का क्या हो जाता है, पवधन कह की पाधन, तो ध्यान देना यहाँ आव हुआ है, क्या हुआ है, आव हुआ है। हम तो ऐसे समझते हैं कि आय आव आय आव, यह नियम है, एचो अयवायावह अयवायावह, अगर आप लिखेंगे ऐसे एचो अयवायावह तो क्या बन जाएगा, एच का ए अय मिला दोगे, य हलंत कर दिए तो इसमें अ बचेगा, अ के साथ अगर व मिलाओगे तो हो जाएगा अव, व का हलंत कर दिए तो यहाँ वा था तो आ निकल के आएगा आय, तो यहां से कर देना आय, फिर यह हलंत कर दिए तो फिर आव, तो बन गया आव, तो क्या बन गया अय अव आय आव, तो अय अव आय आव। और महेश्वर जी हमको एच बता दिए थे पहले कि ए ओंग अय औ च, ए ओंग अय औ च, तो ए का हो जाएगा अय में, ओ का अव में, अय का आय में, अव का आव में, यहाँ पाव हुआ है, आव हुआ है, तो अव का जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, अव का। एकदम नहीं रटते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन देखो दिमाग में, इसको फीड करो सारी जगह। सूत्र विधि क्या होता है, सूत्र सरल करने के लिए आया है, कठिन करने के लिए आया है, तो सरल कैसे करेगा, जब हम सूत्रों का उपयोग करना सीखेंगे तब ना, हा? हम नहीं गाएंगे, चलो ठीक है, सब आजमगढ़ वाले वैसे ही बिहरिया एक्सप्रेस गाते रहते हैं, इनको क्या टेंशन है, ये तो भजन थोड़ी गाएंगे, इनको कहेंगे संधि पढ़ ले, समास पढ़ ले, अकारक पढ़ ले कि नहीं बताओ तू का का पढ़ ले, ऐसा डीजे बजता है, ये लोग डांस करते हैं बहुत मजे में, एक बच्चा हमारे यहाँ जो मुंह में पूरा डीजे बजाता है। जगदीशा में किस सूत्र से संधि हुई है, तोरली मोनुस्वार खरीच या झलाम जसवंते, जगत धन इस त का द हुआ है, जब त का द हो जाएगा तो द जो है यह जस प्रत्याहार में आएगा, जब गड़ द में आएगा जिसमें आता है वही संधि हो जाती है, जस तो संधि हो जाएगी, तो झलाम जसवंते सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, झलाम जसो अंते, डी करेक्ट हो जाएगा, संधि पढ़ ल समास पढ़ ल,
अब कारक का पढ़ला कि नहीं तो वो बिहार एक्सप्रेस चलता है। चलो सभी लोग लाइक करते, चलो सभी लोग लाइक करते, सभी लोग समय से आया करो, ठीक, समय से उपस्थित हो जाया करो 1 घंटे पहले। राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है, तृतीया एक वचन का। फिर देखो इतना सरल काम है कि फूल तुम्हें भेजा, जिसके यहां पहुंच जाएगा वो चुपचाप लेके रख लेगा, चिल्लाएगा नहीं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही तो मेरा दिल है। कहीं तोड़ के फेंक ना देना फूल को, ध्यान से देखना, फिर से समझना कि राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। क्लियर हो गया, राम रामम रामेण, तृतीया हो गया, काम खत्म। चलो आगे एक पूछा ना, तृतीया क्वेश्चन, ठीक है। पठामः, पठ धातु का रूप होता है, तीतः अंति सीता था आम आवह आम, मतलब पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, ठीक, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, अपठामि पठावः पठामः, तीतः आन्ति सीतातः आमि आवह आमः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक, ऐसे ही अपना ला लिया करो, ठीक है। क्या जाएगा, पठामि पठावः पठामः, अंतिम में जा रहा है लास्ट वाले का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुवचन में जाएगा, तो देखो कहाँ है लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सबका अपना जुगाड़ है लेकिन समय लगता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। इससे दा धातु से 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है ददती, ठीक। अगर हम सिंपल बोलते तो जैसे लग रहा है पठत की तरह ददती है, लेकिन नहीं, यह ध्यान देना, यह प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ठीक ना, इसलिए आता है, लोग सोचते हैं ददंती होगा, लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है दा धातु से, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दा धातु में जब हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे, नारायण कौन इतना याद करने लगा जी, जान ले लोगे क्या, अब समझाएंगे सारा क्वेश्चन, थोड़ी समझाएंगे इतना, मतलब कुछ समय दे देंगे, ध्यान देना कि दा धातु में अगर त्वा प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा। चलो एक क्वेश्चन हम इसको समझा ही देते हैं, आप भी क्या कहोगे। देखो त्वा प्रत्यय, हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो यह एक टाइप का कृत प्रत्यय होता है, अर्थात धातुओं से जुड़ता है। और जब भी कभी हमारे साथ में आप प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय पढ़िए, तो हमारे पढ़ाने का जो क्रम होता है, पहले वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब क त व ऐसे लिखेंगे, पहला सूत्र लगाते हैं हलंत्यम, अगर अंतिम में कोई हल वर्ण है, हलंत है, तो हम उसको इत संज्ञा कर देंगे, इसमें अंतिम में हलंत वर्ण नहीं है, नहीं करेंगे। शुरू में लसक को तद्धित्य लगाते हैं, ल श और क, कु, कु का क बन गया है, क वर्ग, इनमें से कोई भी वर्ण मिलेगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी इत संज्ञा हो गई, क वर्ण मिल गया इसमें। कौन कौन बचा, त व अ, त आधा है, व में आ जुड़ेगा, वा हो जाएगा, बनेगा त्वा, त्वा बाद बीच बीच में शेष बचता है। अभी मैं कल क्वेश्चन करवा रहा था तो पूछा था कि त्वा, त्वा प्रत्यय जब लगता है तो क्या शेष बचता है, तो यही त्वा शेष बचता है। पठ धातु में लगता है पठित्वा, भू धातु में लगता है भूत्वा, गम धातु में बनता है गत्वा, खादित्वा, चलित्वा, पित्वा, हाँ जौन भी आप लगाना चाहो, चित्वा, नचित्वा, गायित्वा, जो भी करना चाहें, सब में त्वा त्वा बचता है। लेकिन जब यही दा धातु में त्वा प्रत्यय लगता है तो धात्वा नहीं बनता है, दैत्वा नहीं बनता है, तब क्या बनता है, ये दत्वा डबल त के साथ आता है, इसमें एक तुक का आगम हो जाता है, एक आगम मतलब एक आगम सिद्धांत के लिए पाणी जी अलग से, एक जैसे संधि होता है, जैसे समास होता है, ऐसे ही आगम, आगम पूरा पढ़ाए हैं, आगम बताए हैं, करीब उसमें 28 सूत्र हैं ना, तो पूरी लंबी चौड़ी कथा है, बस ये जान लो कहाँ कौन आगम होता है। तो दा धातु में अगर हम यहाँ करें तो एक तो दात्वा बन ही जाता, तुक के त के आ जाने से डबल त हो जाता है, और इसीलिए यह क्वेश्चन ट्रिपल स्टार में चला जाता है, और कोई कारण नहीं है, और दा का आ गायब हो जाता है, ध्यान देना ये चला जाएगा, ठीक, क्या बन जाता है, दत्वा बन जाता है, और इसीलिए यह क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है, और लोग बारंबार गलती करते हैं,
ठीक है, इसीलिए लोचा करने के लिए पहले हम दुनिया भर का कथा सुनाए हैं। जब कभी आप किसी मदारी के पास में बैठते हैं, नमस्तुभ्यम सर, एक प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, जो हमारी क्लास हुई है सभी बच्चों को थोड़ा, ताकि एक साथ मिल जाए, लोग कह रहे थे प्लेलिस्ट बनाने के लिए। सौरभ सर हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग सभी लोग हमसे बोल रहे थे, मैं सौरभ सर से भी बोल दिया कि प्लीज सर जो है प्लेलिस्ट बना दीजिएगा संस्कृत का, ताकि सभी लोग को मिल जाए, वो सभी लोग थोड़ा सा खोज नहीं पा रहे हैं पूरा। ठीक है, हाँ तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मदारी लोग होते हैं क्या करते हैं, दुनिया भर का दिमाग पहले चारों ओर आपका दौड़ा मारेंगे, और जो पूछना रहेगा उस पे ले आकर का दिमाग भ्रमित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मैं भूतवा बनाया, पठित्वा बनाया, और कृत्वा बना दिया, और बहुत सारे त्वा त्वा लगा के बना दिया। और जब दा धातु में आए तब क्या है, दा धातु में जब हम आए तो पता चला दात्वा बना ही नहीं, दत्वा बना है। ठीक है, चलिए सौरभ सर कह दिए हैं कि बना है, एक बार आप लोग सभी लोग देख लेना, संस्कृत का बना होगा, उसमें सारे वीडियो सर डाल देंगे। ठीक है, हाँ बनवा दिए, बनवा दिए, अगर आप खुद कह दीजिए, सौरभ सर ही हैं ऊपर, TS सौरभ के नाम से जो आ रहे हैं वो सौरभ सर, जिसका नंबर यहाँ पर चल रहा है, आप समझ सकते हैं ये सौरभ सर का ही नंबर नीचे स्क्रॉलिंग में चल रहा है, जो नीचे यहाँ पे नंबर चल रहा है सौरभ सर का ही है। और अगर मुझसे संपर्क करना होगा तो आप लोग कोई भी सौरभ सर से संपर्क करके मैसेज करके कहेंगे कि मेरा फला क्वेश्चन है, मेरा फला प्रॉब्लम है, प्रकाश सर से कह दीजिए, वाराणसी वाले सर से, तो वो हमको सूचित कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो नंबर नीचे चल रहा है इसको आप लोग नोट कर लिए, यही सौरभ सर है जो पूरे पूरे चैनल को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हाँ सभी लोग पहले सबको सबको पहले सर का पहले वेलकम करो सभी लोग, आप लोगों के अंदर ये आदत नहीं है। हाँ? हम कभी देखते हैं कि कोई सर आ जाए क्लास में तो आप लोग एकदम जैसे लगता है गुंडों की तरह बैठे रहते हैं। हाँ? सुस्वागतम, कि सौरभ सर आए, फूल खिले सुस्वागतम, आप लोग कभी नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड, ये सब क्या है? कभी आप लोग मास्टर हो जाएंगे, कौन इज्जत नहीं करेंगे आप लोगों का, सोचो कैसा लगेगा, सोचो थोड़ा। कम से कम जब हम लोग जब हम अनअकैडमी पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर आता है तो तमाम बच्चे जो है गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। हाँ, और आप लोग गजब हैं, हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो तुरंत सभी लोग जो है सर आए हैं, बहुत दिनों बाद सर आए हैं, प्रणाम सर, सब ये सब दुनिया भर का होने लगता है, और आप लोग गजब गजब आदमी हैं। तब सभी लोगों का कम से कम करना चाहिए, सर जी लोग जब भी आए हम तो बता दे रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे लेकिन हम तो बता दे रहे हैं फलाने सर आ गए ना, ऐसा होना चाहिए, शिष्टाचार यही है। और फिर हमारे क्लास में संस्कृत क्या मतलब रह गया, जब हम भारत में रह के अपने संस्कृति ही इतना नरकीय करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो ये दत्वा को याद रखना, और एक क्या बताया था, ददति, ददति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसको भी याद करना, ददंती नहीं होता ददति। और एक आएगा घनंती, अभी उसको हम बताएंगे, हम धातु वाले में आएगा, जब आएगा तो बता देंगे, ये हाईलाइटेड चीजें हैं, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, सहपादेन खंजह अस्ति, लो आ गया कारक से क्वेश्चन, इस वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, बताओ इसमें तृतीया पादेन में लगा कैसे, वह पैर से लंगड़ा है, खंजा माने लंगड़ा, कोई हाथ से लुल्ला हो जाए, सह हस्तेन, इसको क्या बोलेंगे लुल्ला, बताओ जल्दी बताओ, कोई लुंजह, ठीक है, खंजह और लुंजह कर्णेन बधिर नेत्र से क्या हो जाएगा, काण, ठीक है, और सिरसा खलवाट, ठीक, तो ये जब कपार से गंजा हो जाए व्यक्ति तो पादन, तो क्या एनांग विकार, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष कितने होते हैं, तो संस्कृत के प्रत्येक लकार में तीन ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में केवल मैं आता है, मतलब अहम न, अहम आवाम वयम, अहम आता है, त्वम युवाम युवम मध्यम में आते हैं, इसके बाद इन दोनों को छोड़ के सारी दुनिया प्रथम पुरुष में आती है। ठीक, तो तीन पुरुष होते हैं, तीन वचन होते हैं, तीन वचन होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, और विभक्ति सात हो जाती है, लकार दस हो जाते हैं, तीन कुछ और होता है, तीन लिंग होते हैं। ठीक, संस्कृत में भविष्य भविष्य काल के लिए क्या प्रयोग होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, संस्कृत में जो भविष्य काल है इसके लिए क्या प्रयोग होता है,
सभी लोग ससमय उपस्थित हो जाया कीजिए। आज थोड़ा क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, अभी इसको कर लेते हैं जल्दी से, कुछ डिटेल बता दिए इसलिए हो गया। भविष्यत काल क्या आता है? लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूत काल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार याज्ञार्थ। विधि लिंग चाहिए के लिए यही 5 बार बार आता है। और लेट लकार ध्यान देना कि वेद लेट के लिखा गया है, ठीक, मतलब केवल वेदों में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आया था हाल में, तब से इसको सोच रहे हैं कई बार कर दें ताकि ध्यान से उतरेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य दोनों में है? तो दृश्य श्रव्य सुनने और देखने दोनों में कौन जाएगा? टेलीविजन जाएगा। क्या जाएगा? टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तेन में विभक्ति है, मैं फिर कहा हूं कि ऐसे ही क्यों पूछे जाते हैं, ए इस तरीके के ही क्यों पूछे जाते हैं, तेन आ गया क्यों? क्योंकि ये ना कर्तृवाचक कर्मवाचक बदलते वक्त बार बार प्रयोग में आते हैं, इसी से पता चल जाता है कि आप वाच्य बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, ठीक है, उसी से पता चल जाता है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, किसका? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। स का तेन हो जाता है, तेन का स हो जाता है, वो जब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में जाते बन जाता है। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है ना, और यह इसका उत्तर एक ऐसा बड़ा रिश्तेदार है, इतना बड़ा रिश्तेदार है कि मान के चलेगा कि ये सीटेट का दामाद है, ठीक, सीटेट का क्या है? दामाद है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इतना सारा अगर आप लोग पढ़ते होंगे प्रत्यय, तो उसमें से लेप प्रत्यय हम देखे हैं कि अगर 20 बार एग्जाम में सीटेट में पूछा गया हो, तो उसमें 15 बार 18 बार केवल लेप पूछा गया है। हाँ, लेप को भी जान लीजिए, लाया हलंत्यम सहित संज्ञा, लसक तद्धिते सहित संज्ञा, य में अ मिलेगा, हो जाएगा पूर्ण य, ठीक। अगर अंत में य दिखाई दे और शुरू में दिखाई दे कोई उपसर्ग, तो समझ ले उपसर्ग का होना अनिवार्य है इसके लिए, अदरवाइज त्वा प्रत्यय लग जाता है। त्वा अगर नहीं लगता है तो लेप लगता है, दोनों में से कोई एक लगता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, त्वा माने करके लेप माने भी करके ही आता है। जैसे खा करके गाने चला गया, खा करके सो गया, खा करके पढ़ने गया, पढ़ करके खाने गया, ऐसा जो करके आएगा जिसमें एक त्वा या लेप लगेगा। अगर उपसर्ग नहीं लगा है तो त्वा, उपसर्ग लग जाएगा तो लेप। तो यह उपसर्ग लगा है, आन उपसर्ग लगा है, तो गम धातु में, तो आ यहाँ पे य तो हो गया लेप, ठीक है। और लेप कई बार आया है सीटेट में। विव्यत शब्द में मूल धातु एवं लकार है, मतलब मूल शब्द धातु का मूल क्या है और उसमें कौन सी लकार है। भित्रार्थानाम भय हेतु आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, डर और रक्षा करने वाली धातुओं के अर्थ में जो वहां पंचमी भक्ति का विधान बताया गया था वहां पे इसके बारे में चर्चा होती है। इसीलिए देखिए बहुत ज्यादा उलट फिर के उसी संबंधित लेके आए हैं। और ये सब सभी धातुएं जो है प्राथमिक की किताबों में जो 6-7-8 वगैरह में चलते हैं किताब, शायद 3 से या 4 से भी चलना स्टार्ट हो गया है अब, उसमें कहानी वह पढ़ेंगे, उसमें लास्ट में दिया रहता है, उसी से क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछा गया है और कहीं से नहीं आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भी धातु लट लकार। क्या हो जाएगा? भी धातु लट लकार। भारतीय भाषाओं की जननी है, सबको पता है कि हमरो जननी तोहरो जननी 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 जननी, कौन गाना गा दे बताई दो, वही गा दे फिर हम, ठीक। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो गया ना, संस्कृत। इसके लिए जननी शब्द के लिए अगर आप गाओगे, जब आप गाओगे, देखें इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 जननी 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 जनन्या जनन्यई जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी नदी नदी नद्या नद्यई नद्या नद्या नद्याम हे नदी जननी जननी जनन्या जनन्यई जनन्याह जनन्याह जनन्याम हे जननी। ए स्त्रीलिंग इकारांत बता दिए, ठीक है। अब इसको भी प्रैक्टिस करते रहना, बोलते रहो, देखो कैसे शब्द रूप नहीं आता है। कौन कह रहा था कि शब्द रूप मुझको नहीं आता? अब बताओ, तो क्या करें? बंद कर दें पढ़ाना लिखाना, या फिर आतंकवादी बनाना स्टार्ट कर दें, जैसा कहो। अभी आप सो, आपके लिए सोना है अभी, कि जननी जननी जनन्या जनन्यई
जनन्याह जनन्याह जनन्याम हे जननी 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 जनन्याह जनन्याई जनन्याह जनन्याह जनन्याम हे जननी नादी नादी मनाद्या नाद्यई नाद्याह नाद्याह नाद्याम हे नादी। इस तरीके से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए, हो जाएगा, संस्कृत का हो गया। चलो गा दिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है कहो? उठावरणी जागत उठा स्नेहा जागत जल्दी उठा स्नेहा चला जल्दी तुम्हें पढ़े जाना है। अरे तो मैं भी साइंस पहले पढ़ा था, फिर मैं पूरी संस्कृत कैसे पढ़ लिया यार? ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साइंस पहले बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। उठा वरनी जागा जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितनी ऋचा कितने क्या है ऋचाएं हैं? ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाएं अधिक है, श्लोक पहले आता फिर ऋचाएं आती है। इसमें कितने हैं? अच्छा कितने मंडल हैं, ये क्वेश्चन आता है फिक्स है। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक जो वर्णन किया गया किस देवता का वर्णन किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जी। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। आज सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फास्ट एनर्जी की कमी लग रही है दा? इतना जल्दी एनर्जी कैसे कमी हो गई? आज फिर से शतक लगने वाला है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। और ध्यान देना, आता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है सभी लोग बता दो, तो चौथा वेद माना जाता है, अंत में जुड़ा था वह वेद अंत में जुड़ा था, नहीं अलग से नहीं मिलेगी उसमें। दस मंडल है, बहुत सही। सोम का नहीं आता है, सोम देवता कहाँ आते हैं? इंद्रदेव का आता है, सोम इंद्र को ही कहते हैं क्या है? इंद्रदेव का आता है नाम, इंद्र जी का आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें चलते हैं। ये अथर्ववेद जो है चौथा वेद अंतिम वेद, वो त्रय भी नहीं आता है। सत्री प्रत्ययुक्त पद है, सत्री प्रत्ययुक्त। यह क्लास कहाँ पे चल रही है? यह क्लास वाराणसी से लाइव हो रही है। जो अपना ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो हेड ऑफिस जौनपुर के सौजन्य से, ठीक है सर जी, अपने अपने या पीले वस्त्र धारण कैसे किए और क्यों हम तो आपको पहचान नहीं पाए? आप हमको पहचान नहीं पाए? अच्छा अपना टाइम आएगा, तुम ही हो तो इतने दिन से देख नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ, इतना घबरा जाते हो तुम लोग यार, पुराने पुराने लोग। ये पीला वस्त्र धारण के लिए, धारण करने के लिए, बाबा बनने के लिए, अथराइज बाबा बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं अथराइज बाबा नहीं हूँ, ठीक। क्योंकि एक स्टूडेंट रही थी हमारी, तो वो बोलती हैं कि सर कुछ भी कर लेना, बस योगी जी ना बनना, ठीक है, बस योगी जी ना बनना, कुछ भी बन जाना बर्दाश्त है, लेकिन बस योगी जी ना बनना। हम क्या ठीक है ठीक है। सत्री प्रत्येक कोई लाइन था उसी पे वो बोली थी, तो कहें कि सर कुछ भी बन जाना बर्दाश्त है, बस योगी जी ना बनना। मोहम्मद रफी तुम बहुत याद आए, ऐसा ऐसा करके कुछ था, ऐसे याद नहीं आ रहा कोई लाइन, लेकिन वो यही बोली थी। सत्री प्रत्ययुक्त पद है। सत्री प्रत्ययुक्त कौन सा पद है? ऐसा कुछ साथ था और एक तब तक से बात नहीं आया था, क्या बोलते थे कि सब कुछ बन जाएगा लेकिन योगी जी ना बना, पर नहीं आता। बन लो बन जाया चाहे तू ही बनिया, लेकिन गुरु जी योगी ना बन, योगी जी ना बनिया। कहे योगी जी इकलौते हैं, एक हैं, एक ही रहेंगे योगी जी, ठीक है। कहे योगी जी एक ही हैं, एक ही रहेंगे, ठीक। बस बस खत्म ही होने वाला है। कहे योगी जी एक ही हैं, एक ही रहेंगे। आपका बिल्कुल माननीय योगी जी, माननीय योगी जी रहेंगे। सत्री में कैसे पढ़ोगे? ध्यान दो, सत्री वास्तव में सत्री होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो स अ त और यह री आता है। हलंत्यम लगा नहीं, लशक उत्तदिते से स गायब हो गया,
उपदेशे अजन नासिके इत एक सूत्र होता है जिससे स्कित संज्ञा के भी गायब। अब बचता है अत, यही अत अन इसी का रूप चलता है, ठीक है, इसी का अत अंति अन इस तरीके से चलता ना, तो इसी चलता है। तो यह मतलब एक होता है पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, इस तरीके से बनता है। तो सत्री प्रत्यय युक्त पद कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर क्या आ जाएगा, पठन, अत का अन वाले में चलेगा, ध्यान देना। समुद्र शब्द जब पढ़ाएंगे अभी, जब भी आप लोग पढ़ाएंगे जब, वो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। टाइम सही टिप किया करो, मतलब समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, देखने क्वेश्चन एक दिन क्वेश्चन आया था यार, निशिचर दिन कर रत्ना कर सुधा कर, प्रश्न संख्या 29 राइट आंसर रत्ना कर। भूत बलि ही में बताया था और एक में बताया था, एक भूत बलि ही आता है एक भूतपूर्व आता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 30 कई बार क्वेश्चन आया है, किसमें हो जाएगा जल्दी बताओ, श्रीमन नारायण नारायण, सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो बेटा, गुरु जी से कि गुरु से कपट, अब कहोगे हमें तो फिर आप कहोगे कि गुरु जी आप ऐसा बोल रहे हैं कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी, ओके होई निर्धन ओके होई कोढ़ी, गुरु जी से कपट करोगे फिर अपना समझो। चलो एक बहुत बुद्धिमान बहुत अच्छे प्राणी थे जो आए डिसलाइक किए लेकिन फिर से हटा लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको सदबुद्धि दें। भूत वाली पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कौन समास है, तत्पुरुष समास है ना, भूत के लिए चतुर्थी वाले में जाएगा, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। हाँ लो श्राद्ध पी रहे, हम जानते थे बोलेंगे तो यही बोलोगे आप लोग, ठीक बहुत सही। आयुष्मान भाव आयुष्मान भाव आयुष्मान भाव, आज थोड़ा सा डिटेल में चर्चा जरूर किया हूँ, थोड़ा सा डिटेल गया हूँ आज। अच्छा दुई लोग तुरंत डिसलाइक मार दिए, अच्छा दुई ठो एकदम गजब है एकदम, चलो भगवान सदबुद्धि देंगे तो हटा भी लोगे, कुछ एक एक खुरा पाती होते हैं अपने चेले होते हैं जो ना दो तीन ठो डिसलाइक मारेंगे फिर हटा लेते हैं, जैसा भी समझो नहीं, अब वही देखो कौन मारती है, दुई ठो भी हटा लिए अभी हटा लेंगे। चलो अभी अभी भी देखो कुछ लोग और कर दें, अभी कर दो लाइक, अभी 100 नहीं हुआ लाइक, अभी बताओ 96 पे आप लटका, इतना अच्छा पढ़ाया आज इतना सब कुछ तब भी। अरे ये आप लोगों की महानता है सुहानी जी, चलिए अभी अभी दो तीन लोग और कर देते लाइक तो हो जाए, लग रहा है सभी लोग कर दिए अपने हिस्से का, क्या आएगा क्या आएगा, चलो जल्दी से कर दो, अब एक बचे ले दो तीन और डिसलाइक मार रहे हैं, मारते रहो डिसलाइक, मार लो डिसलाइक क्या मार लो अपवाद नहीं है, उन लोग पूरा पाती हूँ, भगवान नारायण उनका भगवान है, पार करेंगे ऐसे लोगों का, ठीक है 29 का। अच्छा भी तुम आयुष्मान भवा जगबू, आज आपका नाम नहीं लिए थे आप घबरा गई हैं, जगबू का नाम ले लेते, बहुत सारे लोगों का नाम है कभी सोचते हैं नाम ले ही ले, धड़ाधड़ अगर एक जगह एक बार बता देते सभी लोग कहाँ से हो तो सबका टकाटक नाम ले ही लेते। न्यू 99 वाला ने, 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 ने वाला ही कौन सा है वाला था तो। हो गया हाँ पार हो गया बिल्कुल सही चलो बहुत बहुत धन्यवाद, देखो डिसलाइको बढ़ रहा साथ साथ चलो अच्छा चलो एक गाना है आप लोगों को सुना दे रहे हैं, एक सुना दे रहे हैं उसके बाद चलेंगे, टाइम बहुत हो गया है लेकिन आज फिलहाल चलो, अभी मैं एक ही क्लास आज कल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ,
इसलिए एक मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स से एक दो लाइन था, लेकिन अभी उसको समझाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आएगा नहीं, मैं तो सुना ही देता है। वाराणसी 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 काशी, हाँ बिल्कुल सही, काशी को जपते रहिए। लखीमपुर खीरी से, लखीमपुर खीरी से, अच्छा भाई बहुत सही। क्या सुना, देशभक्ति गीत सुना दे या फिर गाने वाला सुना दे? चले बहुत सही, काहे नहीं चिल्लाएंगे जब पढ़ा लिए तो, क्या वो अलगे से आएंगे? बहुत सारे लोग चिल्लाते नहीं है, लोग भूल गए रहते हैं, उनको याद दिलाते हैं, और आपको तकलीफ है तो आप लगाओ जैसा मर्जी करे। अच्छा अच्छा नाइस स्टेशन। अच्छा मनीष कुमार मेरठ से, सर गाना सुना दीजिए बढ़िया बढ़िया वाला। महोबा वाराणसी लखीमपुर खीरी, अभी सभी लोग नाम मैं बोला था तुरंत बताए थे, मैं भूल गया था, ले लेते हैं देशभक्ति वाला। अच्छा महोबा यूपी से, जौनपुर मेरा ननिहाल है गुरु जी। अच्छा अच्छा बहुत सही, वहाँ से दुर्गेश सर है ना, उसी जगह से पूरा क्लास उसी जगह जाता है सर। उसके बाद में कौन कौन था, एमपी से, एमपी वाले देवे आ रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान से, यूपी से, अच्छा अच्छा चलो ये भी आए हैं। चलिए अरे बस गाना सुना रहे हैं बेटा, घबराओगे, जौनपुर वाले एकदम। चलो आज देखो थोड़ा सा ऐसा सुनाएंगे तो कहना मत कि गुरु जी जो है गुस्से में हो गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है ही कि दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। बार बार पाकिस्तान आ रहा था तो हम सोचे वहीं वाला खोज निकाले। यदि वीर शहीदों की हत्या का लेते हम संज्ञान नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुनो, कल गाना गाना मत पकड़ो। कि यदि वीर शहीदों की हत्या का लेते हम संज्ञान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। दोषी आप लोग हंसाओगे। यदि वीर शहीदों की हत्या का लेते हम संज्ञान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। हमने आधा कश्मीर गंवाया पंचशील के नारों में, खुद मान सरोवर भी दे आए मानवता के विचारों में। अब बांग्लादेश सा चूहा भी अब हमको आंख दिखाता है, अच्छा वीरों की हत्या कर वह सब हमको भिजवाता है, छह वीरों की हत्या कर वह सब हमको भिजवाता है। उसे क्षमा कर हम हैं समझते हमसा कोई महान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। अश्वेत कबूतर उड़ा के ऊंचे देश को नीचे दिखा दिया, और अहिंसा के नारों ने हमको सहना सिखा दिया। और गांधी नेहरू की परंपरा हर नेता ने खूब निभाता है, और शेर को चुन संसद भेजो वो भी चूहा बन जाता है, और शेर को चुन संसद भेजो वो भी चूहा बन जाता है। यदि सत्ताधीशों के मन में सैनिक का है सम्मान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। तो दोषी अपनी सुना दिए बढ़िया। अरे अब एक बार सुना रहे हैं, कहा लपेट रहे उसी में बार बार। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। आगे सुनते हैं, ध्यान सुनिए। कि यदि सत्ताधीशों के मन में सैनिक का सम्मान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। और नक्सलवादी माओवादी या कोई भी अतिवादी हो, नीचों की हत्या करने की हर सैनिक को आजादी हो, नीचों की हत्या करने की हर सैनिक को आजादी हो।
और निंदा करने का समय नहीं, सब सैनिक अवसर मिंदा हैं, कुछ नेता नीच निकम्मे हैं, तभी तो नक्सली जिंदा हैं, तभी तो नक्सली जिंदा हैं। नेताओं की जान जान है और सैनिक की जान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। सवा अरब ना, कितना है? सवा अरब सवा सौ करोड़ तो सवा अरब मानते हैं। सवा अरब का देश अगर अपनी रक्षा को चिंतित है, तो मानवता के मूल्य त्यागने में ही अब सबका हित है, तो मानवता के मूल्य त्यागने में ही अब सबका हित है। किसी बयान का वक्त नहीं, अब समय नहीं है नारों का, उरिण अरुण मातंड उठो अब, शरण बचे हत्यारों का, शरण बचे हत्यारों का। और राणा शिवाजी के पुत्रों में बचा यदि अभिमान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं, तो दोषी अपनी कायरता है, दोषी पाकिस्तान नहीं। अब क्या सोचने लगे? चलो ठीक है, अच्छा बात, किसी को हमको टारगेट करने की जरूरत नहीं था, इसको मैं रचा नहीं हूं, मैं बस इसमें अपनी वाक्य बोला, वो कुछ है नहीं, ठीक है। अगर कहीं किसी को कुछ ठेस पहुंचे, किसी नेता और किसी जनता को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं गाली दूँ या कुछ दूँ, मैं इसको रचा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तबीयत थोड़ी स्वस्थ रही, अच्छी रही, तो मैं अच्छा रास्ते में थे, तो अब आप क्लास देख लीजिएगा। आज बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुआ है, लंबा डिस्कशन हुआ है, तो अभी के लिए बस इतना ही। देखो सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हटा लिए हैं, और एक दो लोग जो है अभी डिसलाइक पे छपे हैं, वो भी हटा लेंगे अब तो उम्मीद है, और नहीं हटाएंगे तो नारायण कृपा करें उनको, कम से कम उनको सद्बुद्धि दें कि इतना मेहनत करने के बाद में जब एक मिनट चिल्लाना तो पता चलेगा क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।